श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज मैं आप लोगों को अमर बेल से अमर होने के उपाय बताऊंगा। इस जो लता है, जो ये एक प्रकार के बोल सकते हैं बेल है, इसका नाम अमर बेल है। तो नाम से स्पष्ट अमर अर्थात न समाप्त होने वाला बेल। तो अमर बेल से व्यक्ति किस प्रकार से अमर हो सकते हैं, अपने जो मौत है उसे रोक सकते हैं, अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, वीडियो में मैं पहले भी बता देता हूँ कि आपकी मृत्यु होगी लेकिन एक निश्चित समय के बाद, अर्थात जो लोग 100 साल जीते हैं तो आप अपनी उम्र को 1,00,000 वर्ष बढ़ा सकते हैं, यानी कि जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं अमर बेल के माध्यम से। लेकिन मौत दुनिया की ऐसी शक्ति है जो कि एक वास्तविक सत्य है, हर व्यक्ति को मौत आता ही आता है, लेकिन अमर बेल के प्रयोग करके आप अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं, समय को रोक सकते हैं। तो प्राचीन वनस्पति जो तंत्र शास्त्र है उसमें अमर बेल के जो तांत्रिक प्रयोग बताए हैं, वही तांत्रिक प्रयोग मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, शुरू से लेकर के आखिरी तक के वीडियो को देखना। और हाँ, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, आयुर्वेद की जानकारी को सीखना चाहते हैं, पेड़ पौधे से फायदा लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। तो प्राचीन तंत्रों के आधार पर, प्राचीन जो तांत्रिक ग्रंथ है उनके आधार पर तकिया के नीचे जो अमर बेल है इसे रखने से सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। इसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं, कई जानकारी दे चुका हूं। जो व्यक्ति अपने भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जंगल के जो अमर बेल ले आइए, और किसमें लगा तो पीपल के पेड़ में लगे हुए जंगल के अमर बेल ले आइए, और इसे रात में सोने से पहले तक ये कि नीचे में थोड़ा सा अगरबत्ती का धुएं दिखा करके रख दीजिए, और जो आप सो जाइए तो सपने में आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखेगा। और ये प्रयोग बिल्कुल ही सत्य है, कभी इसका प्रभाव विफल नहीं जाता, आपको सपने में भूत भविष्य वर्तमान निश्चित रूप से दिखेंगे। उपरी बाधा, बुरी हवा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, ये सब को समाप्त करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि पीपल में लगे अमर बेल को नहाने के पानी में डाल करके 1 घंटे के लिए, नहाने वाली जो पानी है उसमें 1 घंटे के लिए इसको डुबा करके रख देना है, फिर 1 घंटे बाद आपको स्नान करना है। तो ये ऊपरी बाधा है, बुरी हवा है, तंत्र मंत्र है, टोने टोटके, सबको समाप्त कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग पीलिया के रोगी हैं, जो लंबे समय से पीलिया की बीमारी से परेशान है, ऐसे व्यक्ति को अमर बेल पहना देने से, रविवार या फिर बुधवार के दिन पहना देने से पीलिया के रोग को जड़ से समाप्त कर देते हैं। आइए मैं आप लोगों को अमर बेल से अमरत्व प्राप्त करने का सरल प्रयोग बताऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि अमर बेल को सुखा करके पाउडर बना ले, इसे धूप में सुखा लीजिए, और धूप में सुखा करके पाउडर बना लीजिए, और लगातार 1 वर्ष आधा चम्मच के मात्रा में इसके पाउडर को शहद के साथ में मिला करके व्यक्ति को खाना है। एक टाइम में चाहे सुबह खा लीजिए चाहे शाम में खा लीजिए, लेकिन दिन में 1 बार आपको खाना है। किसमें खाना है तो शहद में मिला करके आधा चम्मच इसके पाउडर को। और हाँ, खट्टे चीजों का परित्याग कर देना है बिल्कुल ही, जब तक ये आप प्रयोग करेंगे इसे खाएंगे, खट्टे चीजों का परित्याग कर देना है। तो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान बन जाते हैं, सिर पर पुनः नए बाल आ जाते हैं, जो गिरे हुए दांत है फिर से पुनः उग आ जाते हैं, ऐसा हमारे प्राचीन तंत्रों में लिखा है, प्राचीन जो बुक इसमें लिखी है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति इसे खाते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर साधारण मनुष्य से 1,00,000 गुना ज्यादा जो इनकी उम्र है ये बढ़ जाते हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं। आप योग और इस वनस्पति के द्वारा, आप थोड़ा सा योगासन अवश्य करना, योग अवश्य करना, तो आप जो है योग और इस वनस्पति के द्वारा इच्छा अनुसार अपने मृत्यु को जीत सकते हैं। जब तक आप चाहेंगे तब तक इस धरा पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी इसे बताएं कि प्रत्येक 12 वर्ष में यह प्रयोग आपको अपनाना पड़ेगा। प्रत्येक 12 वर्ष में जो प्रयोग बताए हूँ इस प्रयोग को अपनाना पड़ेगा, तो अब के जो उम्र है ये 1,00,000 वर्ष हो जाएंगे। 12 वर्ष में यह प्रयोग को एक बार फिर से आपको दोहराना पड़ेगा, लेकिन लगातार हमने जो वीडियो में बताया कि 1 वर्ष आपको इसे खाना पड़ेगा, आधे बीच में किसी भी दिन में आपको गैप नहीं करना है, गैप करेंगे तो अपना जो फल है वो पूर्ण रूप से आपको प्रदान नहीं करेंगे। तो ये थे छोटा सा उपाय अमर बेल के बारे में। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।